नाबालिका अपहरण के आरोपी को सनावत पुलिस ने 24 घंटे में गिरफ्तार कर लिया है। सनावत टीआई ललित सिंह डांगुर ने बताया कि 30 अक्टूबर को खरगोन रोड निवासी की रिपोर्ट पर पुलिस ने 17 वर्षीय नाबालिग लड़की के अपहरण की रिपोर्ट दर्ज की थी। इसके बाद से पुलिस आरोपी की तलाश कर रही थी। परिजनों ने बताया कि ग्राम बड़ूद निवासी विशाल पिता राजेंद्र 19 वर्ष पर शंका थी और वह अभी घर पर नहीं था। पुलिस ने विशाल की मोबाइल लोकेशन के आधार पर एक टीम इंदौर रवाना की, जिसका नेतृत्व एसआई शकुंतला डुडवे ने किया। मोबाइल लोकेशन के आधार पर महुनाका क्षेत्र से विशाल और नाबालिग लड़की को गिरफ्तार में लिया है। नाबालिग को बयान लेकर परिजनों के सुपुर्द किया गया। विशाल पर विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर गिरफ्तार किया। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। क्या घटनाक्रम है नाबालिग युवती के अपहरण का और उसको पुलिस द्वारा छुड़वाने का? ये 30 तारीख की बात है, 30 अक्टूबर। तो एक बच्ची के पिता आए थे, उन्होंने बताया कि 16 वर्षीय उनकी नाबालिग बच्ची है, सनावत के रहने वाले हैं और वो बिना बताए घर से कहीं चली गई है। उन्होंने तलाश किया, नहीं मिली थी। तो जिस पे थाने पे 363 भारतीय दंड के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया, और चूँकि नाबालिग बच्ची के अपहरण का मामला था, संगीन मामला था, पुलिस अधीक्षक मौके बताया गया। पुलिस अधीक्षक श्री शैलेंद्र सिंह चौहान साहब द्वारा उसको बहुत गंभीरता से लिया गया। उन्होंने वरिष्ठ अधिकारी को बताया, लोकल पुलिस को हिदायत दी कि वो कैसे भी बच्ची को बरामद करें। इस आधार पर हमने सब इंस्पेक्टर शकुंतला के निर्देशन में एक टीम गठित की जो उसकी लगातार तलाश कर रही थी। कुछ सस्पेक्ट के नाम आ रहे थे, जिनमें एक विशाल बलाई नाम का लड़का घर से फरार मिला। तो उसकी लोकेशंस, टावर लोकेशंस और उसके रिश्तेदारों को पता करते इंदौर की एक इन्फॉर्मेशन मिली उसके होने की। इस आधार पर हमने इंदौर रात में टीम रवाना की थी और 24 घंटे के अंदर जो बच्ची गुमशुदी थी, जो अपहरता हुई थी, उसको बरामद कर लिया गया। आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।